गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इट्स फिफ्थ साइंस क्लास स्टूडेंट्स हम चैप्टर टेन तक कंप्लीट कर चुके हैं हमारा सिलेबस हमारे टू चैप्टर्स पेंडिंग हैं वो हम नवंबर में स्टार्ट करेंगे चैप्टर टेन हमने कॉपी पे भी कर चुके हैं और हम उसकी रिवीजन भी कर चुके हैं कल हमने चैप्टर नाइन की बुक एक्सरसाइज को डिस्कस किया था दोबारा आज हम उनके उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे ओके पार्ट डी पार्ट ओके स्टूडेंट्स देखो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वट इज एनर्जी क्या क्वेश्चन है हमारा वट इज एनर्जी नेम द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स आपको पता है ना एनर्जी क्या होती है पावर हम खाना खाते हैं तो वाइफ मम्मी कहती है ना कि ना बेटा खाना खाओ एनर्जी आ जाएगी ठीक है क्या होती है देखो एनर्जी एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क काम करने की जो हमारी कैपेसिटी है उसे हम क्या बोलते हैं एनर्जी ओके स्टूडेंट्स एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क अगर हमने खाना ही नहीं खाया होगा हमारे में एनर्जी नहीं तो हम कोई काम तो नहीं कर सकते डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज क्या आ जाएंगी देखो लाइट एनर्जी फिर आ जाएगी हीट एनर्जी देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी उंड एनर्जी ओके स्टूडेंट नेक्स्ट वाई डू वी नीड एनर्जी हमें एनर्जी की जरूरत क्यों है we need energy to do activities. हमें क्यों जरूरत है बहुत एक्टिविटीज करने के लिए नो वर्क कैन बी डनो वर्क कैन बी डन विदाउट एनर्जी ठीक है क्लियर हो गया आपको सुन वी नीड एनर्जी टू डू एक्टिविटीज हम एक्टिविटीज नो वर्क कैन बी डन विदाउट एनर्जी हम एनर्जी के बिना कोई काम नहीं कर सकते बिकॉज यहां कॉमन आएगा सुन बिकॉज एनर्जी गिव्स अ स्ट्रेंथ फॉर अप्लाइंग फोर्स टू गेट द वर्क डन क्योंकि हमें एनर्जी से क्या मिलती है स्ट्रेंथ मिलती है जिससे हम क्या करते हैं फोर्स को अप्लाई करते हैं टू गेट द वर्क डन आगे देखो स्टूडेंट है हमारे पास वट आर द नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच हैव ह्यूज मीन्स बहुत ज्यादा है बट क्या है लिमिटेड रिजर्व इन अर्थ मीन्स अर्थ पे अर्थ पे जो उनके रिजर्वर हैं वो क्या है लिमिटेड है वी कैन नॉट यूज दैम अगेन एंड अगेन हम उन्हें बार बार यूज नहीं कर सकते सोर्सेस क्या है कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस आगे वेज नेचुरल गैस फाउंड द नेचुरल गैस फाउंड इन ऑयल वेल्स नेचुरल गैस कहाँ होती है ऑयल के बड़े बड़े है? वेल्स में ओके स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वाई शुड वी सेव एनर्जी हमें एनर्जी क्यों सेव करनी चाहिए कुछ बताओ वी शुड सेव एनर्जी बिकॉज इट टूक मिलियंस ऑफ द इयर्स इन दर फॉर्मेशन इन्हें बनने में क्या रहते हैं मिलियंस ऑफ द इयर्स लग जाते हैं वंस दे हैव फिनिश्ड एक बार ही खत्म हो गई वी कैन नॉट ऑबेन अगेन एंड अगेन ओके क्लियर होगी आपको कि हमें एनर्जी को सेव करना चाहिए इन्हें बनने में कोल पेट्रोलियम बनने में मिलियंस ऑफ द इयर्स लगते हैं एक बारी खत्म हो गए हमारा कोई काम नहीं चलेगा ना ही कोई व्हीकल्स चलेंगे ना ही मशीन्स चलेंगी क्योंकि आपको पता है इसमें पेट्रोल डलता है डीजल डलता है ठीक है आगे है सम वेस्ट टू यूज समेट टू सेव एनर्जी हम कैसे सेव कर सकते हैं यूज सोलर कुकर सोलर वाटर हीटर हमें क्या यूज़ करना चाहिए सोलर कुकर यूज़ करना चाहिए सोलर वाटर हीटर यूज़ करना चाहिए स्विच ऑफ द लाइट्स एंड द फैन हमें क्या करना चाहिए फैन ऑफ करना चाहिए ओके वेन नोट इन यूज यूज एलईडी बल्ब्स हमें क्या यूज करना चाहिए एलईडी ई आगे देखो यूज बाइसिकल और गो ऑन फुट और कहा अपने पैरों से गो ऑन फुट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स वट आर द यूज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको पता है इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या क्या यूज हमारे घर में फैन टीवी सब कुछ क्या है इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू लाइट बल्ब क्या लाइट करने के बल्ब्स को चलाने के फैंस रन्स रनिंग फ़ैन टीवी एसी ए मोटर ये सारी चीज़ें मोटर तो इसकी डिमांड भी बहुत है ओके okay, स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे थैंक यू क्लास हैवन नाइस डे बाय बाय टेक केयर